नमस्कार, आपण समस्त बीनुसी चैनल को बहुत बहुत स्वागत। आज आम अटा गुड़ा केक् बनवा केक् खावा जिते टेस्टी देहपाई से हेल्दी। रेसीपीटी स्टार्ट करने पूर्व आपण मैंने मो चैनल को सब्सक्राइब करना तेज सब्सक्राइब करनी। सब्सक्राइब बटन पाखे बेल आइकन क्लिक कर ऑल ऑप्शन सिलेक्ट करूँ जहाँफल आगक आसूबा मो नुआ वीडियो नोटिफिकेशन आपण मैंने प्रथम पाइपर तेज आसतु देखने यही अटा गुड़ केक्र रेसीपी। अटा गुड़ केक् तैयारी गोटे कप अटा ए गोटे कप अटा को भल भाव चल गोटे कप अटारे आम ये वन थर्ड कप गुड़ दबा आप चाहिए गोटे कप गुड़ दे पारती कि गुड़ कम करती। मुझे हाफ कप क्षीर क्षीर आमको ये कम ही लगे कम यूज हम आम कि गोटे कप हाफ कप नहीं ता सहित तो नहीं हाफ कप दही ता सहित तो मुझे रिफाइंड ऑयल ये अटार चारि भागरु गोटे भाग रिफाइंड ऑयल नहीं सहित तो मुझे नहीं गोटे चम्मच बेकिंग पाउडर हाफ चम्मच बेकिंग सोडा बा खाइबा सोडा जो आम यूज हुए ता सहित तो मुझे गोटे पिंच लुण ता सहित मुझे नहीं गुजराती गुंड आप चाहिए आ जगह वनिला एसेंस पकई पारे एवं केक् गार्निशिंग करने मुझे किसी आलमंड नहीं काटिकी आप जेको मनपसंद ड्राई फ्रुट्स ये नहीं पारे तेज यही सब जिनस आम केक् या प्रथम आम केक् टीन को अल्प टिके रिफाइन तेल देकी आपको भलसे मुझे ग्रीस कर भल से ग्रीस कर सरिबा परे मुझे गोटे चम्मच अटा को एमती चारिपटे स्प्रिंकल करदे जहाँफल केक टी आम आराम से बाहर बाहरी आसब। ये आप बटर पेपर मध्य यूज करें यहीपर का अटारे गोटे भल कोटिंग बनईदे यार केक आराम से बाहरी आसे। एथर मुझे गोटे बड़ बाउल नहीं आम केक्र बैटर प्रस्तुत करवा केक्र बैटर प्रस्तुत करने मुझे प्रथम नहीं रिफाइन ऑयल को देदेली। एथर आम तेरे गुड़ को देदे आपड़ चाहिए गुड़ को ग्रेट करके गुड़ नहीं पारे गुड़ को तेल सहित भल भाव एपरिका मैश कर नवा गुड़ आउ टे भल से मैश होगापी से आम दही देदे दही दे कि आपको मिसेवा द्वारा गुड़ भल भाव एकदम मिसीज विक्सर साहब चामच साहब भल भाव गोल पारे जहाँफल गुड़ गोटा गुड़ जमी कि गोटा अंश रही सब जमी एकदम प्लेन हो देखु ये दही रिफाइन तेल एवं गुड़ भल भाव मिक्स हो जाएर आम अटा पकईद जो गोटे कप अटा नहीं थी से गोटे कप अटा को मुझे दे कि गोल नौ मुझे दही यूज कर क्षीर आमको कम दरकार हम मैं अल्प अल्प क्षीर दे कि गोल चलती बैटर को हमको बेसी पतला करवानी नचे केकटा कुक हाँप बहुत टाइम लगे ये हमको हाफ कप्रु भी कम क्षीर लगला एथर आपको भल भाव आम गोल नवा जमी अटा गुड़ दही क्षीर जमी सबकि मिक्स हो भल से एवं गोटे स्मूथ बैटर बनी देखु आम बैटर टी ये रेडी सारा एथर आम ए अल्प टिके लुण
पकई दबा लुण दबा द्वारा केक रो टेस्ट टा बहुत भल आसी थाए। एथर आम आदर गुजराती गुंड मध्य देदबा अल्प टिके मिसई नहीं एथर आम बेकिंग पाउडर एवं बेकिंग सोडा मध्य ऐड करनवा। एबे बैटर को आमको बेसी फेंटिबार नाई बस सबु किछि मिक्स हेला पर्यंत आकु आम गोळे नबा एवं केक टिन तो आम रेडी अछि। एथरक केक टिने बैटर को आम ढाली नबा। केबे केक टिन एकदम से फुल करिकि देबेनी नत से केक फुलिबो जते बेले तो चारियाडे स्प्रेड हे जिवो तो किछि जागा खाली थिबो से परके आपन बैटर भरिबे। ये केक टी आम खाली खाली लगुच से आम आलमंड काट के सजाई दबा एवं केक केक रो बैटर जिते बड़े केक टी ने आम भरीद दुई तीन थर टे टैप कर नवा जहाँफल जितक एयर बबल्स थी से सब ऊपर को बाहरी आसो। ये आपड़ आलमंड जगार काजू मध्य सजाई पारती कि चेरी मध्य गार्निशिंग करपारती। एबे आम नेक्स्ट प्रोसेस को जीपा मुझे कढ़ई में लुण दे कि गोटे स्टैंड लगे कि 5 मिनिट पूर्व आपको आर कवर दे कि आपको प्री हीट पे छाड़ दे थी लो मीडियम फ्लेम रे। एबे एटा पूरा गरम है कि रेडी हो जाएगी। एथर केक टिन को केयरफुली आम कढ़ई भितर रखि नबा एवं ताको कवर दे कि 40 रु 45 मिनिट पर्यंत छाड़ी दबा। ये पखापाखि 45 मिनिट हो गला आम टे केक् को चेक कर नवा। मुझे गोटे छुरी साक सेंटर रु चेक करुँ देखते छुरी पूरा क्लीन आसला तो मैंने केक् आम पूरा ये बेक हो सारी। एथर केक् को आम थंडा हाँपाई कढ़ई रु बाहर करके फांका जगार रखिद। केक् टी आम ये पूरा थंडा हो सारे मो चारिपट टे छुरी बुले नौ ताकि केक टा आराम से बाहरी आसो। एथर गोटे प्लेट तापर घोड़े ऊपर पटे टैप कर नौची देखु केक टा के आराम से बाहरी आसला एवं केक बहुत ही सॉफ्ट एवं स्पंजी केक आम बन के रेडी जा बहुत टेस्टी ता सहित हेल्दी। मुझे गोटे पीस काटिके देखा आपण यहपरिका केक् घर निश्चय थे बनइबे एवं आपणकर अटा गुड़ केक् केमती बनला मत कमेंट रे निश्चय जनइबे। आपड़ी देखिपे केक् टी के स्पंजी बनी आते सॉफ्ट बनी बढ़िया से बेक हो। आशा करुच्ची मोर ए रेसीपीटी आपण मानक भल लगी। जदि मो रेसीपीटी आपण मानक भल लगी तेब लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करने को भूलिबेनि। सब्सक्राइब बटन पाखरे बेल आइकन क्लिक करे ऑल ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे जहाँफल आगे आसुवा मोर सब नुआ भिडर नोटिफिकेशन आपण मैंने प्रथम पाइबे। मुझे आसबि गोटे नुआ रेसीपी सहित से पर्यंत धन्यवाद।